को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चुनावी बयार है, हर नेता दमदार है, लेकिन वोटर समझदार है। आज हम इस बस से सीतापुर के सफर पे चलेंगे। सीतापुर की जनता से हम जानेंगे कि आखिर वोटर बाबू क्या कह रहे हैं। तो गिरीश हमारे साथ है और इस बस से हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर सीतापुर के जो वोटर बाबू हैं वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। वोटर बाबू का सफर जारी है और आज हम सीतापुर के सफर पर हैं और इस बस को चलाने वाले ड्राइवर बाबू, गिरीश जी जरा दिखाइए, बड़े जरूरी व्यक्ति हैं। कहा ठीक ठाक बस रफ्तार पकड़ रही है। अरे दो लाइन बता दीजिए भाई, ड्राइवर बाबू क्या बताएंगे, कब क्या किन कुछ मिला ना तुम क्या बता मैं। हाँ कुछ भी नहीं मिला, भूमिहीन आदमी है, बिल्कुल भूमि लायक भूमि का नहीं है। हाँ और क्या, ना मोदी ना क्या बताएं, बताओ उसको। हाँ सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य किन मुद्दों पर, बहुत जमाने से बिजली आज के जमाने से है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे ड्राइवर बाबू इस बार? हम किसी मुद्दे पर वोट नहीं डालेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। अरे हमारी अपील है भाई, मताधिकार का प्रयोग करिए, ऐसा नहीं हो। एक चीज जानना चाहेंगे, सीतापुर में आप जाते हैं, विकास हुआ है सीतापुर में? अब सीतापुर से हमें काम मतलब है, अपने काम मतलब है, घर से सड़क बनी है, रास्ते से जाते हैं। रास्ते सड़क तो बनी नहीं, पर हमें अकेले थोड़ा नहीं कर, दुनिया नहीं कर ऊपर है। और बड़े नाराज लग रहे हैं भाई, क्या हो गया? पब्लिक से बात कराओ, एक सुविधा एक सुविधा मिले उससे बात कराओ। बिल्कुल, और देखिए ड्राइवर बाबू नाराज है, अब आगे जो जनता है उनसे बात करते हैं। तो ड्राइवर बाबू ने कह दिया है कि पब्लिक से बात करें, जो वोटर हैं वो भी अपने साथ हैं, ड्राइवर बाबू भी वोटर हैं। तो कब ठीक ठाक सब चकाचक? बिल्कुल विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? विकास क्या, आप कौन सा विकास बताएं यहाँ पे? सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और घर घर बिजली जा रही है, गांव गांव सड़क जुड़ रहे हर गांव। हाँ। और क्या चाहिए विकास, सब एकदम चकाचक है। अच्छा सीतापुर क्राइम भी खत्म हो रहा है। हाँ। क्राइम कंट्रोल है बेशक। सीतापुर की खास तौर पे अगर बात कर ले, सीतापुर हम रहते नहीं है तो हम क्या बताएं सीतापुर के। सीतापुर तो हाईवे से सटा हुआ है और उसमें क्या कमी होगी, हाईवे से सटा है, ग्रामीण इलाका है, कहा जाता है कि थोड़ा सा वहाँ कहाँ है, वो तो जिला है, जिला है ना। हाँ जी, जंगल भी जो वहाँ से जुड़ा हुआ है, जमीन है, जमीन की समस्या रहती है, कभी कभी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ये तो सब जगह उत्पन्न हो सकती है। ठीक ठाक है सर। देखिए आपने भी अपना यंत्र निकाल लिया, क्या लग रहा है विकास है इस बार जमीन पे? विकास तो है लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जो जहाँ पे वहीं पे है, उसका नौकरों का शोषण हो रहा है। हम लोग लगे हुए हैं लगभग 12-13 साल हो गए, अभी इसी संविदाई पे लगे हैं। हम लोगों को कम से कम रेगुलर किया जाए, इतनी महीना 10,000 किलोमीटर पर महीने चलाता हूँ गाड़ी, तब भी कोई हम लोगों का नहीं देखा वाला हो रहा है, कोई देखा वाला नहीं हो रहा। सीतापुर जाते हैं आप? हाँ सीतापुर लखीमपुर। हाँ, गोला तक जाते हैं, गोला तक जाते हैं। हाँ। सीतापुर में जो जनता है, जो वोटर है, वो क्या कहते हैं, जमीनी समस्याएं कभी कुछ रही जिस इतने सालों से? सीतापुर से हम नहीं जानते, जो जनता है उनसे बातचीत करते हैं। क्या भैया सब ठीक ठाक? ठीक है। पानी वानी पी लिए? पानी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, लाइट थी नहीं तो इस वजह से पानी मिला नहीं, बॉटल खाली है। बॉटल खाली है, अरे तब तो यात्रा भारी पड़ जाएगी, गर्मी आगे से ले लेंगे। ले लेंगे ना। हाँ तो जब जहाँ पर रहे वहीं से ले लीजिए एकदम। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में वोटर बाबू कौन सा मुद्दा है जनता के साथ? मालूम नहीं अभी, इस बारे में वोट देने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, जो सोचा है आपने अभी सोचा नहीं है, दिख क्या रहा है, क्या बदला है? अपनी प्रॉब्लम इतनी है उस पर ध्यान ही नहीं गया अभी, समस्या में है। क्या क्या समस्या होगी? बस ऐसे ही काम जॉब वगैरह की तलाश, जॉब की तलाश में, यानी जॉब नहीं मिल रही नहीं, ये समस्या है। जी जी, ये तो युवा की समस्या है। हाँ, युवा वही समस्या हमें भी, इस मुद्दे पर वोट करेंगे। हाँ जी जी, यानी रोजगार का एक मुद्दा नहीं है मेरे पास, नहीं है। इस
स्थानीय तौर पर कुछ विकास हुआ है, जमीनी तौर पर गांव में लोगों को आवास मिले हैं, पेंशन हुआ है, बहुत हुआ है इस बारे में, तो बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, तो विकास हुआ है, लेकिन रोजगार एक समस्या है भैया। हम भी है, बातचीत करेंगे, वोट देने जाएंगे। हाँ जब तो हाथ तरह से आराम कर लीजिए, वोट देखिए। गिरीश बाबू कैमरा लेके हैं, तो इस बार मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा हमारा कोई नहीं, जो मिलता है मिलता है, मिलता है मिलता है, अनाज मिलता है। हाँ मिलता है, गांव में विकास है। हाँ विकास भी है। किस तरह का विकास है? अच्छा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। सड़क उड़क सब सुधर गए पूरा, तो क्या लग रहा है, संतुष्टि है जनता को? उनका तो भाई है, और जगह नहीं बता सके भैया। जनता संतुष्ट, बड़ा हंस रहे हैं बाबू। हैं वोटर बाबू, जरा ऊपर आ जाइए, देखिए आप गिरीश बड़ा कैमरा चला रहे हैं, कब से हमसे कह रहे हैं कि जिनको जिनको है सब सीट के पीछे न छुपाइए, सबको बाहर लाइए। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, चकाचक है, चकाचक सब बढ़िया है, बढ़िया। किन मुद्दों पर वोट करेंगे वोटर बाबू? आप वोटर है, मुद्दे क्या है? देंगे किसी को, देंगे। स्वास्थ्य की सुविधा है? सब सुविधा है। क्या स्थिति है बंधु? ठीक ठाक है, आप ठीक है? हाँ। जमीन पर क्या स्थिति है, विकास का घोड़ा दौड़ रहा है सरपट? नहीं है, दौड़ रहा है नहीं, दौड़ रहा है, क्या हो गया? जमीन में है नहीं तो क्या होता है? कुछ नहीं, सब एकदम। किसानी की समस्या दूर हुई? किसानी की समस्या दूर तो नहीं हुई है, क्या बताएं। सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य? हाँ वो सही है, वो सही है, वो सही है। रोजगार है? रोजगार जो है नहीं, ये खेती ही नहीं तो रोजगार कहाँ से होगा। भैया गिरीश जी बड़ी समस्या, और लोगों से जानेंगे कि समस्या क्या है और जमीन की हालत क्या है। तो महिलाएं भी सफर कर रही हैं बस में क्या चाची? ठीक है जी, वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर करेंगे? सब ठीक ठाक, सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब ठीक है? सब ठीक है। ग्रामीण स्तर पे कुछ विकास हुआ है? हाँ हो ही रहा, क्या करना, हम सीतापुर। तो आप देखिए यहाँ पर कंडक्टर बाबू हैं, लगातार टिकट काट रहे हैं, जनता आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, क्यों कंडक्टर बाबू? महंगाई है क्या? हाँ महंगाई तो है ही, टिकट महंगा है, टिकट महंगा है, फिर भी काटते हैं, कुछ छूट नहीं मिलता तो छूट? हाँ हमको तो ही छूट है, सरकारी जो टिकट निकलता है और राजस्व का पैसा हो जाता है जी, तो इसमें हमको क्या फायदा, हम तो नौकरी करते हैं, हमको जो सरकार देती है वो ले पाते हैं, बाकी तो हम सारे टिकट ही बनाते हैं। तो देखिए भाई अपना ईमानदार और ईमानदारी से काम करना, ये हर कंडक्टर बाबू करते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर कुछ समस्याओं का निदान हुआ है चाचा? हम सफर कर रहे हैं, हम क्या बताएंगे, जो बात होती सफर रहा तो वहाँ पे होती है, देखिए ना, ठीक है। अब इंसान सफर में सफर के ही दिमाग से बात करता है, तो सफर का जो दिमाग है वो क्या कह रहा है? सब ठीक ठाक जा रहे हैं बस, वो सब ठीक ठाक है, बढ़िया, कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक लग रहा है, विकास दिख रहा है। पीछे हो जाए, पीछे हो गया क्या? पीछे हो गया, पीछे बात कर लीजिए आप, नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्या हो गया, नाराज है? नहीं नहीं, नाराजगी वाली से नाराज है कि नेता जी से? नहीं किसी से नाराजगी नहीं है, फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहता। सड़क सही सलामत है? हाँ सड़क तो सही है। बिजली ठीक ठाक है? हाँ बिजली भी सही है। पानी की सुविधा मिलती है? पानी तो, पानी लगभग ठीक ही है, क्या बताएं उसके बारे में। किसान क्या कहता है, किसानी की समस्या जो थी? किसान तो वैसे भी मर रहा है। कुछ काम हुआ है किसानों को, कुछ कहे हैं कि उनके जो फसल का मूल्य है, इसके अलावा गन्ने की बात हम करते हैं, चूंकि आप लोग जेब का जो बेल्ट है गन्ने के लिए बड़ा मजबूत माना जाता है, कुछ है? वैसे तो उसका जो है किसान मूल्य तो बढ़े, वो अनाज का मूल्य तो बढ़ना ही चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखिए जो मूल्य बढ़ने की बात है उस पर वोटर बाबू अपनी राय दे रहे हैं, कुछ और वोटर यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो जमीनी समस्याएं हैं उस पर वोटर बाबू क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ वेरी गुड, ठीक ठाक।
तो वोट देने जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जो है राष्ट्रीय मुद्दे पर। राष्ट्रीय मुद्दा? राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, राम नाम का संदेश है, बिल्कुल 100% विकास है जमीन पर। जमीन पर विकास तो आज क्या, जब से देश आजाद हुआ तब से चल ही रहा है। इस बार उसी पे वोट करना है? वोट भाई करना है। एकदम मूड बना लिए? मूड तो 100% है, अब हम लोग मरने वाले हैं। अरे कहाँ, आप मर रहे, आप 100 साल जिएंगे चाचा, ऐसा कैसे कह रहे हैं? और युवा भी हैं गिरीश जी, और देखिए ये युवा पैसा दे चुके हैं टिकट बनवाने के लिए, लेकिन हम इनसे सवाल करेंगे क्योंकि ये शिक्षित युवा है। तो क्या रोजगार है जमीन पर? जी हाँ बिल्कुल है। कई लोग तो कह रहे हैं रोजगार बड़ी समस्या है। नहीं ऐसा नहीं है, आप जितना पढ़े हैं उस एबिलिटी पे आपको रोजगार मिल रहा है। हाँ। आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको मिल रहा है, बस ये है कंपटीशन बढ़ गया है आज के समय में। हाँ। ये कह सकते हैं हम इस चीज़ को, बस बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि रोजगार नहीं है। जैसा आप पढ़े हैं जैसा करेंगे वैसा मिलेगा आपको। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कैसे भी, आप अपना टाइम को कैश कर दीजिए। ऐसे समझिए सरकारी व्यवस्था के रोजगार की बात तो नहीं हो रही है, अगर जमीनी रोजगार की बात करें तो वो भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी की ही बात करें, हम डिपेंड करता है कि हम किस वे में कर रहे हैं। सरकार से ज़्यादा प्राइवेट जॉब सैलरी देती है, सरकार में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं ये चीज़ें। प्राइवेट तो इस बार वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट हर मुद्दा है मेरे लिए, तो मेन बीजेपी इसमें है। चाहे आप वोटिंग ने क्या कर डेवलपिंग में कहेंगे तब भी बीजेपी है, और वैसे भी आप देख रहे हैं तब भी बीजेपी। भैया पूरा जागरूक है, देखिए गई, बड़ा खुश हो गए। क्या बात है, हम तो खुश ही रहते हैं। आपका एक चीज बहुत दिक्कत में है, देखिए मैं पेशेवर पूरी लाइफ अपनी पूरी लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, बट एक चीज़ नहीं समझ में आई आज तक कि कभी बहुत सारे फोटोग्राफर शादी पार्टियों में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे जान गंवा चुके हैं लोगों की फायरिंग की वजह से, जो हर्ष फायरिंग होती है, जो जान गंवा चुके हैं उसके लिए कोई गवर्नमेंट आज तक कुछ किया नहीं है। जमीनी मुद्दे हैं, जमीनी बातें हैं, और बड़ा मुद्दा है ये कि लोगों के जान माल की रक्षा होनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, ये मुद्दा है आपका। लेकिन कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, पहले से जो फर्स्ट फायरिंग है बेहतर है, सुरक्षा है, सब कुछ है, बस ये है कि एक फोटोग्राफर जो अपनी पूरी लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है उसके लिए क्या है? वो सफ़र कर रही है, कुछ और भी लोग हैं तो इस बार वोटिंग का मुद्दा क्या है? मतलब वोटर जब वोट देने जाएगा बूथ तक तो किस मुद्दे पर वोट करेगा? आप वोटर बाबू किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास पे, बेरोजगारी पे, कि कितनी नौकरियां दे दी, कितना काम किया, डिपेंड्स। पूरा हिसाब बना के रखा है? बिल्कुल, हिसाब हमने क्या बना के रखा, सभी ने बना के रखा है, सभी ने बना के, लेकिन बना के हिसाब रखने से कोई फायदा नहीं है। करेंगे तो वो जो उनका मन करेगा ना, लेकिन वोट तो आप देंगे। हाँ, वोट और जिताएंगे आप, हराएंगे आप? जिताएंगे हम नहीं, हमारे जिताने से मैटर नहीं करता है, आपका जीतना आपके लिए खुद मैटर करता है। यहाँ पे तो ये वाली राजनीति, विकास हुआ है कह सकते हैं, रोजगार है हिसाब से? नहीं रोजगार नहीं है ना, मुद्दा बन रहा है रोजगार बहुत। नेताजी बड़ा मुद्दा है रोजगार, और युवा इस पर मुखर होकर सामने आ रहा है, आप बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जो मेरे बड़े भाई ने बताया। अरे भैया आप भी बता दीजिए, बड़े भाई तो अपनी बात बता दी। जिस स्पीड से विकास दौड़ रहा है तो आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे कि विकास कहाँ पहुँच गया। बाकी बस मुद्दे बहुत हैं, क्या क्या मुद्दे गिनाए, बाकी जो हम लोग को वोट देना होगा हम लोग दे देंगे, बाकी वोट कहाँ जाता है हमारा हम पब्लिक को तो पता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आप लोग जो सच है वो न्यूज़ देखें, और उम्मीद करें कि वोटर बाबू भी देखते रहें आप लोग। हम रोजाना 3:30 बजे जी उत्तर प्रदेश पर दिखाते हैं, आम जनता की राय लेते हैं, और जो आप कहते हैं वही दिखाते हैं, इसके इतर कुछ भी नहीं दिखाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको देखें। आपने भी बताया नहीं मुद्दे क्या है, एक लाइन में बता दीजिए फिर अन्य लोगों से। मुद्दा बहुत कुछ है, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो, बेरोजगारी ज़ीरो, विकास के नाम पे जिस स्पीड में दिखाते हैं मीडिया पे कि कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचे जा रहे हैं, अब जब लोग ज़मीनी स्तर पर आप देखिए हम लोग कहाँ खड़े हैं, सब ज़ीरो पे खड़े हैं। तो इस बार ये मुद्दा बनने वाला है, और जो लोग इस बस में सफ़र कर रहे हैं उनसे हम जान रहे हैं कि वोटर बाबू किस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्यों भाई साहब जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे?
भाई ने तो बता दिया आगे जो अरे जो भाई बता दिया उन्होंने कहा हम वो भाई बता दिया मतलब सब लोग भाई भाई ही घूम रहे हैं क्या भाई वाली बस है वैसे तो भाईजान आपसे हम जानना चाहेंगे कि खास तौर पे जो सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये मुद्दे बिल्कुल इनका हल हुआ है। सड़क का तो लमसम में हाँ कि भाई सड़कें तो कुछ सही हुई हैं मतलब सड़कें तो सही हैं काफ़ी विकास सड़क के ऊपर तो हो रहा है लेकिन मैं सर बेरोजगारी अगर वो भी उसके ऊपर भी काम हो तो जनता तो भाई सोचेगी ना अपने लिए रोड का वो तो काम हुआ है रोड पे तो काम हुआ है बेरोजगारी बड़ी समस्या है बेरोजगारी है सर। स्वास्थ्य सुविधा मिली है स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सुविधा भी ठीक ठाक है बढ़िया है जी जी ठीक ठाक है और बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं अरे एकदम मतलब जगह भी दे दिया एकदम देखो भाई गिरीश नेताजी लोगों को भी जगह दे दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भाई इस बार मुद्दे क्या क्या है। सर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई आसमान पर है विकास धरातल में चला गया है यहाँ तक कि अपने पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मैं लखनऊ से सीतापुर जा रहा हूँ 120 रुपए की टिकट है मतलब महंगाई आप खुद समझ सकते हैं जो पहले 10 साल पहले अगर हम जाते थे तो शायद 50 या 55 रुपए की टिकट हुआ करती थी वो आज 120 रुपए की हो चुकी है। विकास केवल अमीरों का हो रहा है और गरीबों और मिडिल क्लास के साथ केवल शोषण हो रहा है इस गवर्नमेंट में। गाड़ियाँ धड़ल्ले से निकल रही है रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्ज दुनिया जहाँ के सारे चार्जेस गवर्नमेंट के पास पहुँच रहे हैं लेकिन रोडें आज भी पुराने लखनऊ में उतनी की उतनी है कंजेस्टेड और कहते इतना भयंकर ट्रैफिक रहता है। सीतापुर में ट्रैफिक लगता है क्या? बिल्कुल लगता है बिल्कुल सीतापुर में ट्रैफिक है और काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। खेती किसानी का भी क्षेत्र कहा जाता है। हाँ बिल्कुल तो ऐसा लगता है किसान संपन्न हुए हैं? सर संपन्न नहीं हुए हैं अगर आप रियलिटी पूछेंगे मेरा पेशा ऐसा है कि जिसमें मेरे पास दर्जनों किसानों छोड़िए सैकड़ों में किसानों के फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में फीड हैं अगर मैं आपको सुनवाना चालू करूंगा वो बेचारे त्रस्त हैं बिल्कुल कभी कोई समस्या ऐसे करके और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है किसानी के लिए एटलीस्ट तो मिला दीजिए एकाक किसान अभी हम लोग बातचीत भी कर ले। अच्छा चलिए छोड़ दिया नहीं करते लेकिन आप लोगों से जानेंगे सड़क बिजली पानी सीतापुर में ठीक ठाक दिखता है? बिजली का विकास हुआ है पानी का विकास हुआ है लेकिन जो आप सड़क की बात कर रही है उसकी पब्लिक से बहुत मोटी रकम वसूली जा रही है। आज की डेट में आप टोल प्लाजा आप जाते होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकल जाइए चाहे आप आगरा एक्सप्रेसवे निकल जाइए आप यमुना एक्सप्रेसवे निकल जाइए भाई ठीक है हमें सहूलियत मिली है कि हम 150 पे गाड़ी चला सके लेकिन उस सहूलियत की कीमत हमें कितनी चुकानी पड़ रही आप सोचिए तो भाई आप आगरा एक्सप्रेसवे पे मेरे ख्याल से आज की डेट में आना जाना 1500 से 2000 रुपए केवल टोल का चार्ज है जी जी। एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी कैसे वो टोल दे रहा है आपको इस बात का कोई आइडिया है? वो तो मजबूरी है कि जाना है तो जाना है। बड़ी समस्या और विकास के साथ महंगाई सीतापुर वासियों का बड़ा मुद्दा और आपको बताएं कि जो लोग हैं जो युवा हैं वो ही यहाँ पर हैं। अरे ऐसे कैसे क्या लग रहा है जमीन पर विकास हुआ है? जी विकास हुआ तो है थोड़ा बहुत। अरे जोर से बोलो जब अपनी बात दमदारी से क्योंकि नेताजी लोग दमदारी से वोट मांगते हैं जी, और आप वोटर बाबू हैं वोट देना आपका काम है आपका अधिकार है और आप उसका उपयोग करते हैं तो इतना धीमे क्यों बंधु जोर से बाबू बताइए। जी विकास हुआ है मतलब इतना नहीं हुआ है लेकिन हुआ है जी। स्वास्थ्य सेवाएं बदली हैं? जी स्वास्थ्य सेवाएं बदली हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा है? जी शिक्षा का स्तर बढ़ा है स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है और इस टाइम मोबाइल वगैरह भी बटे हैं योगी सरकार में। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद? जी जी वो भी ठीक ठाक है जी जी बढ़िया। युवा है और अपनी राय रख रहे हैं और पहले वो इधर पीछे दिखा रहे थे आप सामने बताइए वोटर बाबू क्या हाल चाल? सब ठीक है। ठीक है ठीक है। नेताजी लोगों का ठीक ठाक रहेगा? क्या है देखो अब क्या होता है कि नहीं होता है देखो क्या होता है क्या जहां आप भेजेंगे वहीं जाएंगे। आप वोटर बाबू हैं तो एक चीज बताइए विकास किस स्तर पे आपके नजरों से? मेरे नजरों से तो कुछ भी अभी विकास तो मेरे को नजरों से अभी कुछ भी विकास नहीं हुआ कुछ भी नहीं। हाँ
तो इस बार मुद्दा क्या है, वोटिंग का मुद्दा क्या है? वोटिंग का देखो कौन बाजी कौन लेके जाता। हाँ। क्या क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? हम तो किसान आदमी है तो किसानी का विकास चाहते। हाँ, तो भैया किसानी का विकास चाहते थे और वो विकास नहीं हुआ का भैया? ठीक है मामला? हाँ भैया ठीक है मामला, ठीक ठाक है, पूरा खुश हो रहा है भैया? खुश तो है। किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे वोटर बाबू इस बार? मतलब वोट देने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। जाएंगे ना? हाँ। जोश के साथ जाइएगा। मुद्दा क्या है इस बार सर, विकास हुआ है? मुद्दा का ट्रेनें बढ़ाने और क्या, ट्रेनें बढ़ा दें, रोजगार बिल्कुल है नहीं, कोई धंधा है नहीं काम करने का, खाली बिल्कुल सत्तारी घूमते रहो, महंगाई इतनी है, काम कोई है नहीं, महंगाई इतनी है काम है नहीं, कोई इतना किराया महंगा है, रोजगार है नहीं बिल्कुल ना कोई, यानी महंगाई बड़ा मुद्दा। और बड़ा खुश हो गए वो बता दिए, आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे वोटर बाबू? हम शिक्षा और स्वास्थ्य है जी। क्या नहीं है? स्वास्थ्य का हाल तो बढ़िया नहीं। स्वास्थ्य का हाल बढ़िया नहीं? सीतापुर की बात करें तो ठीक ठाक है सब? नहीं लखीमपुर की बात करिए। चलिए तो सब ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, नहीं है जैसा होना चाहिए नहीं है। भैया गिरीश बाबू तो जनता जागरूक है वोटर बाबू के इस सफर को जारी रखेंगे और अन्य जगहों के जो वोटर बाबू हैं उनसे राय लेंगे कि ये चुनाव उनकी नजरों में कैसा, जमीन पर विकास का स्तर कैसा। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, सीतापुर के सफर पर।